बाबा नारद ने कंस से कहा था कि कंस तुमने नील कमल के पुष्प भी मंगवा लिए, तुम्हारा काल नहीं मरा। अब एक ही उपाय है, वो ये है कि जाओ अक्रूर जी को भेजो या चाहे किसी को भेजो, अपने यहाँ धनुष यज्ञ कराओ, कृष्ण बलराम को बुलवा लो। जैसे ही कृष्ण बलराम आए, आते ही आते उन्हें मार देना। एक कंस टंगवा दो, टंगो ठीक है, आते ही आते उन्हें मार देना। और ये बात कंस की समझ में आ गई तो भोजराज कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि अक्रूर जी जाओ कृष्ण और बलराम को बुला करके, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाओ, कहना कि तुम्हारे मामा ने यज्ञ किया है। अब भाई राजा का आदेश है, जाना तो पड़ेगा। राजा का आदेश है, जाना तो पड़ेगा। अक्रूर जी चले, सबसे पहले नंद बाबा से मिले हैं। नंद बाबा और अक्रूर जी आपस में बातें कर रहे थे, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। और भगवान कन्हैया बोले, चाचा कहिए हमारा मामा कंस कैसा है? क्या बोले कि कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है। और आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है? चाचा कहिए आप इतने सीधे सच्चे इंसान, आपका और हमारे मामा कंस का दोनों का स्वभाव कैसे मिलता है? क्या बोले हैं भगवान? कहिए किस तरह कंस मामा प्रधान इनकी ओर से 501 रुपए दान में आए हैं। भगवान से कामना करती हूँ गोपाल इनका जीवन हमेशा धन्य रहे। और हमारी बहन जी ये भी हमारे लिए कुछ लेके आई है, बोल देंगे बुराई लग जाए तो मुंह पे खैर करियो, जहाँ पे दौर करियो। कसम से जो फ्री है अपने घर से, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और अगर कोई जैसे सूट दान कर रहे ना, तो ऐसा करियो मैं पहन सकूँ। जब मुझे जो बुराई है का मैं उसका फायदा दान ले लो पहन लेना, है ना? हमारी बहन जी हरेशु ये हमें इतना सुंदर सूट भेंट करती है, मैं भगवान से कामना करती हूँ इनका जीवन हमेशा धन्य रहे। जीजी की शादी हो जाए तो वे बहुत अच्छे मिल जाए इनके कन्हैया जैसे। क्या बोले भगवान कन्हैया? अरे छोटे छोटे हम नहीं हैं, छोटे हैं।
परिया जाने बन के सच गई मोहन तेरी साजिया याद रखना भगवान कन्हैया कहते हैं चाचा बताइए तो सही आपका और हमारे मामा का स्वभाव कैसे मिलता है तो क्रूर जी कहते हैं लाला हम प्रजा तो ऐसे रहते हैं कि जैसे कि दांतों के अंदर जिभ्या रहती हो तुम्हारा मामा यदि नीम के वृक्ष से पीपल का वृक्ष कहे तो हमें वही कहना पड़ता है लेकिन लाला तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है यज्ञ किया है और ये बात मैया यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा बिलक बिलक करके रोने लगी